तो ये अयोध्या एयरपोर्ट का मुख्य पोर्टिको है। आपको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं किस तरीके से इसकी भव्यता इस एयरपोर्ट की दिखाई देगी आने वाले वक्त में। ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा किस तरीके के मेहराब बनाए गए हैं, किस तरीके का की कलाकृति है जब आप इस एयरपोर्ट पर उतरेंगे। पूरी तरीके से धर्मनगरी को एहसास कराने की कोशिश है और ये एयरपोर्ट आपको बिल्कुल धर्मनगरी की तरह दिखाई देगा। ये मुख्य दरवाजा है, ये मुख्य एयरपोर्ट का मुख्य द्वार है जहां से सिक्योरिटी एंट्री है। और अब जब आप एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश करेंगे तो उसका दृश्य कुछ इस तरीके का होगा। यहां पर लोगों को बैठने के लिए, यहां पर सुरक्षा जांच के लिए, यहां पर पैसेंजर्स के जो तमाम सुविधाएं हैं वो आपको दिखाई देंगी। यानी कि अब आखिरी मोमेंट में जो फिनिशिंग के लिए होती है वो तमाम चीजें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ आपको बाकी सुरक्षा के साथ जो सामान दिखेंगे, जगह जगह जो केबिन बनाए जा रहे हैं वो दिखेंगी। यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था है और हम आपको दिखाते हैं कि ये इस एयरपोर्ट का जो लुक है, इसकी जो भव्यता है वो कैसी है। और साथ साथ इसका रनवे, इसका जो रनवे का स्ट्रिप है वो कैसा है। तो कुछ इस तरीके का आपको ये मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या का दिखाई देने वाला है। एक धार्मिक नगरी का एहसास, भगवान राम की नगरी का एहसास ये आपको इस एयरपोर्ट पर दिखाई देगा। पहले फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला है। यहाँ तक कि नागरिक उड्डयन मंत्री आकर के इसका निरीक्षण भी कर चुके हैं। और इस तरफ आपको ये एयरपोर्ट है तो आप देखिए किस तरीके की भव्यता आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और ये जो एयरपोर्ट की पट्टी होती है जिस पर जहाज उतरेंगे, जिस पर प्लेन उतरेंगे, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मंदिर सा एहसास, धर्मनगरी अयोध्या और उसमें श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुछ इस तरीके का एहसास 22 जनवरी के पहले जरूर दिखाई देगा जब रामलला नए भव्य राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। अयोध्या से कुमार अभिषेक।